नमस्कार, विराट 24 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका। इत्र कारोबारी पीयूष जैन के कानपुर और कन्नौज वाले घर पर जीएसटी इंटेलिजेंस महानिदेशालय डीजीजीआई के अधिकारियों ने शुक्रवार यानी 24 दिसंबर को छापेमारी की। छापेमारी में डीजीजीआई को इत्र कारोबारी के यहाँ से 179 करोड़ से अधिक की नकदी और जेवरात बरामद हुए। नोटों की गिनती के लिए डीजीजीआई ने लगभग 13 मशीनें और कंटेनर मंगवाया। खबर है कि टीम ने गिनी गई नोटों से भरे बॉक्स को स्टेट बैंक की मुख्य शाखा पर भिजवाया है। वहीं पीयूष जैन का संबंध समाजवादी पार्टी से भी बताया जा रहा है। 23 दिसंबर को डीजीजीआई और इनकम टैक्स की टीम ने पीयूष जैन के यहां ताबड़तोड़ छापेमारी की। पीयूष जैन के कन्नौज स्थित आवास से 1 करोड़ से भी ज़्यादा जेवर मिले हैं। डीजीजीआई शुक्रवार को भी देर रात तक छापेमारी करती रही। छापेमारी के दौरान एक आलमारी के पास पहुंची। आलमारी की चाबी ना मिलने पर टीम ने उसे हथौड़े से तोड़ा और वहां से लगभग 4 करोड़ रुपए और करोड़ों की जेवरात बरामद हुई। वहीं पीयूष जैन के आनंदपुर स्थित आवास की दीवारों से भी नोटों की गड्डी बरामद हुई है। बताया जा रहा है कि जांच के दौरान टीम ने जिस दीवार से नोटों का बंडल बरामद किया है वह दीवार घर के अन्य दीवारों से अलग लगी, जिसके बाद अधिकारियों ने दीवार को ठोंका और पता चला कि दीवार खोखली है। जब अधिकारियों ने दीवार को तोड़ा तो अंदर से नोटों की गड्डी भरभराकर नीचे गिरने लगी। ये गड्डियां कागज़ और प्लास्टिक से पैक की गई थीं। बताया जा रहा है कि ये नोटों का बंडल 500 और 100 के नोटों का है। मिली जानकारी के अनुसार इत्र व्यापारी रानू मिश्रा के यहाँ भी टीम ने छापेमारी की। यह भी बताया जा रहा है कि टीम से रानू मिश्रा का मुनीम रहा विनीत गुप्ता, उसे लेकर कचहरी टोला स्थित उसके निवास पर पहुंची। देर रात पूछताछ के बाद टीम ने दस्तावेज जब्त किए। डीजीजीआई और इनकम टैक्स की टीम ने इत्र कारोबारियों के यहाँ छापेमारी गुपचुप तरीके से की। यह 27 सदस्यों की टीम है। बताया जा रहा है कि इस टीम के पास बिना नंबर प्लेट की बाइकें हैं, जिन बाइकों के माध्यम से टीम इन कारोबारियों के यहाँ करीब 10 दिनों से चक्कर लगाकर जानकारियां जुटा रही थी। इसके अलावा जानकारी मिली है कि पीयूष जैन का संबंध सपा के करीबियों से भी है। प्राप्त जानकारी के अनुसार सरकार पीयूष जैन के जरिए यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के सबसे करीबी माने जाने वाले सपा के MLC पुष्पराज जैन उर्फ पम्मी जैन पर दबाव बना रही है। बता दें कि पुष्पराज जैन अखिलेश यादव के कैशियर और पीयूष जैन के करीबी हैं। पम्मी जैन भी पीयूष जैन की तरह कपड़े के बड़े व्यापारी हैं। आपको बता दें कि पीयूष जैन कन्नौज में इत्र क्षेत्र का बड़ा व्यापारी है। वह 40 से भी अधिक कंपनियों का मालिक है, जिसमें से 2 कंपनियां मिडिल ईस्ट में हैं। पीयूष का इत्र के अलावा कोल्ड स्टोरेज और पेट्रोल पंप का भी कारोबार है। जानकारी के मुताबिक पीयूष का हेड ऑफिस मुंबई में स्थित है और यहां उसका एक बंगला भी है। तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें विराट 24 न्यूज़। धन्यवाद। खुल गया खुल गया खुल गया, आपके शहर में सर्व सुविधा युक्त स्काई रेस्टोरेंट खुल गया। वेज नॉन वेज भोजन का लुत्फ उठाने के लिए अवश्य पधारे। हमारे यहाँ स्काई स्पेशल थाली के साथ जन्मदिन, तिलक, एंगेजमेंट, रिसेप्शन के लिए हॉल उपलब्ध है। ऑनलाइन ऑर्डर के लिए संपर्क करें 9039033661 पर। पता याद रखें, स्काई रेस्टोरेंट, विश्वविद्यालय रोड, लोटस टावर, खुटे ही, रीवा।